नमस्कार दोस्तों, अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हार्मेटिक और सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर्स क्या है और इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इन दोनों के फायदे और नुकसान क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं ये दोनों कंप्रेसर कैसे होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो कंप्रेसर है इसे हार्मेटिक कंप्रेसर बोलते हैं। इसे आप एसी और रेफ्रिजरेटर में जरूर देखा होगा, ठीक है। और उसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि ये है सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर। तो इसे छोटे पैमाने पर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं कि इन दोनों कंप्रेसर में बेसिकली क्या अंतर होता है, इन दोनों कंप्रेसर में ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हार्मेटिक कंप्रेसर के बारे में। तो ये जो कंप्रेसर है ये हार्मेटिक कंप्रेसर कहलाता है। इसमें अंतर ये होता है कि इसका मोटर और इसका कंप्रेसर एक ही लोहे के शेल में कवर्ड होता है, यानी बंद होता है, और इसे हम खोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ से ये वेल्डेड होता है, यानी ये शील्ड होता है, इसे हम खोल नहीं सकते हैं। तो इसे हम खोल कर रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसमें ये होता है कि इसका मोटर और कंप्रेसर एक ही शेल के अंदर में, लोहे के शेल के अंदर में बंद होता है और ये वेल्डेड होता है। इसके उलट सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर होता तो वैसा ही है, उसका भी मोटर और इसका कंप्रेसर एक ही शेल के अंदर में कवर्ड होता है, लेकिन इसे हम खोल सकते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ से खोल सकते हैं, यहाँ से खोल सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से, कहीं से भी इसे खोल कर और इसके अंदरूनी पार्ट्स को निकाल सकते हैं या इसे रिपेयर कर सकते हैं। बड़ी आसानी से इसे हम खोल कर इसके पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली अंतर ये हो गया कि हार्मेटिक कंप्रेसर होता तो ऐसा ही है, इसका भी मोटर और कंप्रेसर एक ही शेल के अंदर में बंद होता है, लेकिन ये वेल्डेड होता है, इसे खोल नहीं सकते। लेकिन सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर होता तो वैसा ही है, लेकिन इसे खोल सकते हैं क्योंकि इसमें नट बोल्ट के जरिए टाइट किया होता है, तो इसे हम खोल सकते हैं। बेसिकली अंतर ये दोनों में यही है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि इन दोनों कंप्रेसर्स के फायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों के फायदे के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं हार्मेटिक कंप्रेसर के कुछ फायदों के बारे में। दोस्तों, हार्मेटिक कंप्रेसर, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका मोटर और कंप्रेसर एक ही शेल के अंदर में बंद होता है, जिसके कारण से इसमें लीकेज की संभावना नहीं रहती। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों कि ओपन टाइप जो कंप्रेसर आता है उसका मोटर और कंप्रेसर अलग अलग होते हैं, या ये बेल्ट ड्राइव होते हैं। तो उस कंप्रेसर का जो क्रैंकशाफ्ट बाहर आता है उसमें एक शाफ्ट सील लगता है, ताकि अंदर का रेफ्रिजरेंट और अंदर का ऑयल जो है ये बाहर ना आ सके। तो कभी कभी क्या होता है कि शाफ्ट सील से लीकेज होती रहती है, तो इस कंप्रेसर में उस लीकेज की संभावना नहीं रहती क्योंकि इसका जो कंप्रेसर और मोटर एक ही शेल के अंदर में बंद होते हैं, जिस कारण से इसमें ना शाफ्ट सील की जरूरत पड़ती है और ना ही लीकेज होने की संभावना रहती है। अब जान लेते हैं सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर के बारे में। तो इसमें भी वही चीज है, क्योंकि इसमें भी कोई शाफ्ट सील नहीं लगता, इसलिए इसमें भी लीकेज की संभावना नहीं रहती है। दूसरा फायदा ये है कि हार्मेटिक और सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर में ये बेल्ट ड्राइव नहीं होता है, इसलिए इसका जो इफिशियंसी है बढ़ जाता है और ये ज्यादा कुशलता पूर्वक काम करता है। लेकिन जो ओपन टाइप कंप्रेसर होते हैं उसका मोटर और कंप्रेसर अलग अलग होते हैं, और मोटर के पुली से और कंप्रेसर के पुली पर बेल्ट लगा होता है, तो मोटर जो है अपनी पूरी पावर कंप्रेसर को नहीं दे पाता, क्योंकि बेल्ट जो है ये थोड़े थोड़े स्लिप करता रहता है, जिसके कारण से मोटर अपने पूरी ताकत कंप्रेसर को नहीं दे पाता और कंप्रेसर के आरपीएम में कमी आती है और कंप्रेसर का एफिशिएंसी कम हो जाता है, जिसके कारण से कंप्रेसर फुल कैपेसिटी में काम कर नहीं पाता। लेकिन हार्मेटिक और सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर में ये प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि ये बेल्ट ड्राइव नहीं होता। इन कंप्रेसर में एक और भी फायदा है, क्योंकि इसका मोटर और कंप्रेसर एक ही शेल के अंदर में बंद होता है, इसलिए इसके मोटर को अलग से ठंडा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सक्शन से आने वाले वेपर रेफ्रिजरेंट जो है ये मोटर के वाइंडिंग से होकर ही कंप्रेसर के पिस्टन तक पहुंचता है, जिस कारण से मोटर का जो वाइंडिंग है ये ठंडा रहता है, क्योंकि सक्शन का टेम्परेचर काफी लो होता है, इसलिए कंप्रेसर का जो मोटर है ये भी ठंडा रहता है। तो इसमें ये फायदा है। लेकिन ओपन टाइप जो कंप्रेसर देखे होंगे उसका मोटर होता है, मोटर के दोनों साइड में या एक साइड में फैन लगा होता है, जिसके कारण से खपत जो है एनर्जी का ये बढ़ जाता है और उसे एक्स्ट्रा लोड लेकर चलना पड़ता है।
लेकिन इन दोनों कंप्रेसर में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर है तो देख सकते हैं कि ये सेक्शन है और ये डिस्चार्ज है। तो ये सेक्शन जो है मोटर की तरफ है, तो मोटर के अंदर से इसके वाइंडिंग और जो इसका रोटर है उसके अंदर से होकर ही जो वेफर रेफ्रिजरेंट है वो पिस्टन तक आता है, ठीक है। तो इसलिए मोटर ठंडा होता है और इसका वाइंडिंग है बाहर से टच रहता है, इसलिए बाहर से भी ठंडा होता है। यानी ये जो चीज है ये दोनों तरफ से ठंडा होता है, अंदर रेफ्रिजरेंट से भी ठंडा होता है और साथ में बाहर के जो सेल है मोटर का ही बाहर वातावरण में ट्रांसफर करते रहता है, यानी ये दोनों तरफ से ठंडा रहता है। तो इसमें ये फायदे हैं दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों इन कंप्रेसर के कुछ नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं हार्मेटिक कंप्रेसर के कुछ नुकसान के बारे में। इसका मोटर और कंप्रेसर एक ही सेल के अंदर में कवर्ड होने के कारण अगर इसका मोटर का वाइंडिंग जल जाए या खराब हो जाए तो इसे रिपेयर करना आसान नहीं होता, और अगर इसमें पिस्टन में कोई खराबी हो जाए या इसके कंप्रेसर में कुछ खराबी हो जाता है तो भी इसे रिपेयर करना आसान नहीं होता, इसे कटिंग करना पड़ता है, इसे हम आसानी से रिपेयर नहीं कर सकते। बात करें सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर के बारे में, तो अगर इसका मोटर जल जाए, इसका वाइंडिंग जल जाए तो इसे आसानी से तो रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसका मोटर जल जाता है तो इसके अंदर का जो रेफ्रिजरेंट है ये भी बाहर निकालना पड़ेगा और कभी कभी इसका जो ऑयल है ये भी ड्रेन करना पड़ता है, तब जाकर इसका मोटर को रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन ओपन टाइप कंप्रेसर में ऐसा कुछ नहीं होता, मोटर अलग होता है और कंप्रेसर अलग होता है, अलग अलग उसे रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन दोनों कंप्रेसर में ये भी प्रॉब्लम आते हैं कि बाई चांस इसका मोटर जलता है तो इसका वाइंडिंग का कचरा और धुआं कंप्रेसर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कंप्रेसर के पिस्टन या रिंग को तोड़ सकते हैं या इसके वाल्व को खराब कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वाइंडिंग का जो कचरा है आगे जाकर किसी चीज को ब्लॉकेज कर सकता है और इसका जो धुआं है पूरे प्लांट के पाइपों में घूम सकता है, जा सकता है, और जिस कारण से उस प्लांट की इफिशियंसी भी यानी काम करने की क्षमता में भी कमी आ सकती है। तो दोस्तों ये था हार्मेटिक और सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।